बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे भाई हैं, वो एक छोटी सी गलती करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो इस गलती को ठीक कर लें। जब भी हम लोग वुजू करते हैं तो वुजू करने के बाद हम दुआ पढ़ते हैं। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्म अज्अलनी मिनत तव्वाबीन वज्अलनी मिनल मुततहिरीन। उसके बाद हम पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। तो हमारे कुछ भाई हैं, वो क्या करते हैं, जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो ऐसे उंगली को, शहादत की उंगली को आसमान की तरफ करके फिर पढ़ते हैं। जी मेरे भाइयों, किसी भी हदीस से हमें ये सबूत नहीं मिलता कि आप जब भी वुज़ू करने के बाद ये कलिमात पढ़ेंगे तो आपने उंगली को इस तरह आसमान की तरफ करना है और फिर ये पढ़ना है। ये माजरत के साथ बिदअत है। अब बोलेंगे ये बिदअत, हर काम में बिदअत आप डाल देते हैं। भैया बिदअत आप समझ जाएं पहले, इसकी डेफिनेशन क्या है। कोई भी ऐसा काम जो दीन का हिस्सा समझ के आप करते हैं, दीन का हिस्सा समझ कर, और वो हमारे दीन में मौजूद ना हो, उसकी हमें कुरान और अहदीस से उसका रेफरेंस ना मिलता हो, तो एक नई चीज़ जो हम बढ़ा लेते हैं करते हैं वो बिदअत होती है। लेकिन दीन की, दीन का काम समझ के। अब कुछ लोग बोलेंगे ये पंखा जो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था, अब आ गया है, तो ये भी तो बिदअत है। गाड़ियाँ नहीं थी, अब गाड़ियाँ हैं। भैया दीन की किसी बात को ऐड करना, एडिशन करना दीन का हिस्सा समझ कर, तो वो बिदअत होती है। तो लिहाजा आप ये जो उंगली खड़ी करके, और कुछ लोग हमारे जब अज़ान होती है तो अज़ान का जवाब देते हैं, तो उसमें जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह होता है तो उस वक्त भी ये उंगली ऐसे खड़ी करती हैं, ऐसी कोई अहदीस नहीं मिलती, कोई रेफरेंस नहीं। अगर आपके पास है तो आप मेरी ज़रूर रहनुमाई करें। तो ये छोटी सा मसला था, लेकिन कब समटाइम क्या होता है कि देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया, सहाबा इकराम ने जो किया है, हमने वही करना है। एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दीन को आसान ही रहने दें। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ गए होंगे। हाँ जी, एक और मसला, कुछ मेरे भाई वो शायद ये मैसेज करें, कमेंट करें कि आपने ब्रांड की शर्ट पहनी हुई है, तो मेरे भाइयों ब्रांड की शर्ट पहनना मना नहीं है। आंटी अनलेस के आप कोई भी ऐसी चीज़ पहने जिसमें जानवर की, जिंदा चीज़ की, जानदार की तस्वीर हो तो वो मना है। और इसके अलावा एक लिमिट है, इस लिमिट से कम कपड़े नहीं पहन सकते, तो वो मना है। लिहाजा ब्रांड की कोई भी चीज़ पहनेगी वो मना नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।